Hello and welcome to my YouTube channel JNV English Empire. And today I am going to deal with one act play. आज आपके साथ एक one act play के साथ deal करते हैं. सबसे पहले you need to know what are the one act plays. ये one act plays होते क्या हैं? One act play is covered within an act. ये एक ही एक्ट में कवर किया जाता है. जिस तरीके से आप जानते हैं, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि एक सीन कहीं और का और दूसरा सीन कहीं और का. जैसे स्टोरी प्लेन में चल रही है, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि माउंटेन्स का सीन आ जाता है. लेकिन इस वन एक्ट प्ले में ओनली वन लोकेशन इज सिलेक्टेड और वहीं पर पूरी पूरी स्टोरी का पिक्चराइजेशन होता है. अब बात करते हैं प्रपोजल के बारे में. द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, और ओरिजिनल तौर पे इसका मैरिज प्रपोजल नाम था, इसका टाइटल रखा गया था. लेकिन यहां पर सिर्फ द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले. ये एक वन एक्ट प्ले है, एक फार्स है. फार्स एक जस्ट लाइक अ कॉमेडी, ये एक कॉमेडी है. एंड इट्स अ ह्यूमरस स्टोरी, काफी मजाकिया स्टोरी है. तो इट इज अ लॉन्ग वन एक्ट प्ले, बट रियली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. I will try to cover it within three parts. मैं इसे तीन parts में cover करने की कोशिश करूंगा और आपके सामने एक अच्छे ढंग से इसे पेश करने की कोशिश है. Short story writer है. बात करते हैं कि इसके author कौन है, writer कौन है. Russian short story writer है and dramatist. और ड्रामाटिस्ट हैं, ये ड्रामास लिखा करते हैं. सो यू विल कम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ रशिया. यहां पर रशिया के कल्चर के बारे में भी कुछ जानकारी आपको मिलेगी. एंड इट वॉज रिटन इन 1888 to 89. ये लिखा गया था, इट मींस 100 ईयर्स बैक, 100 साल पहले. बट द स्टोरी डजंट लूज इट्स चार्म. लेकिन कहानी आज भी अपना आकर्षण नहीं खोती है और आपको अच्छी लगती है. आप ये फीलिंग आएगी कैसे, एज द स्टोरी इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट सिनेरियो, जैसे प्रेजेंट वर्तमान सिनेरियो में ये कहानी चल रही है. सो एंड अब आगे वन एक्ट प्ले के थ्री मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं. सबसे पहले स्टेफन चुबोकोव. स्टेफन चुबोकोव ही इज अ लैंड ओनर. ये एक लैंड ओनर है, ये बहुत बड़े जमींदार है. एंड ही हैज अ डॉटर, और इनकी एक डॉटर है. कौन है डॉटर? नटालिया स्टेपनोवना. ये इनकी डॉटर है एंड 25 इयर्स ओल्ड. नटालिया इज 25 इयर्स ओल्ड, 25 साल की हो गई है. बट येट अनमैरिड, लेकिन अभी भी इनकी शादी नहीं हुई है. वहीं पर शादी का प्रपोजल लेके आते हैं इवान वैसलीविच लोमोव. इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन है. अ नेबर ऑफ चुबोकोव. चुबोकोव के एक नेबर हैं. अ लार्ज एंड हर्टी, काफी बड़े और दिल वाले, बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर. लेकिन बड़े संदेहात्मक हैं, क्योंकि इनकी कहानी कुछ ऐसी है, कभी इनका दिल बैठता है, कभी इनकी आंख फड़कती है. तो चलते हैं अपनी स्टोरी पर, प्रपोजल पर. प्रपोजल में क्या होता है? अ ड्रॉइंग रूम इन चुबोकोव्स हाउस. चुबोकोव के घर में एक ड्राइंग रूम का सीन है, जैसे आप देखते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द सीन हियर. आपको रेड कर्टन पीछे की तरफ दिखाई देंगे और मैं और आप. ठीक. लोमोव्स इंटर. लोमोव यहां पर इंटर करता है वियरिंग अ ड्रेस जैकेट. एक ड्रेस जैकेट पहने हुए है, व्हाइट ग्लव्स, उसके सफेद दस्ताने हैं, हैंड्स में ग्लव्स पहने हैं. एंड चुबोकोव राइजेस टू मीट हिम. चुबोकोव उठता है उससे मिलने के लिए और कहता है, माय डियर फेलो, Whom do I see? अरे मैं किसे देख रहा हूं? वैसलीविच, I am extremely glad. मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तुम्हें यहां पर देख करके. आमतौर पे whenever a guest comes to your house, आप इसी तरीके से वेलकम करते हैं कि आपको देख करके बहुत ज्यादा खुशी हुई. Squeezes his hands, अपने हाथ को निचोड़ता है, मलता है. This is a surprise, my darling. और कहता है कि अरे मेरे प्यारे लोमो, बड़े सरप्राइज की बात है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए. My darling, how are you? आप कैसे हैं? लोमो, thank you. And how may you be getting on? और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, कैसा हो रहा है सब कुछ लाइफ में, मुझे बताइए. चुबोकोव, we just get along somehow, my angel. मेरे फरिश्ते, हम किसी भी तरीके से चल रहे हैं, जैसे आप कहते हैं बस कट रही है यार. थैंक्स टू योर प्लेयर्स प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया. एंड सिट ऑन, सिट डाउन, बैठ जाइए, प्लीज डू. नाउ यू नो, आप जानते हैं, यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, क्या आप अपने पड़ोसियों के बारे में सब कुछ नहीं भूल सकते. माई डार्लिंग, माई डियर फेलो,
Why are you so formal in your getup? आप अपने गेटअप में इतने फॉर्मल क्यों हो? वाकायदा अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करे हुए, what is the reason? Though you are my neighbor, आप तो कभी भी किसी भी हालत में पड़ोस में चले आइए, क्या फर्क पड़ता है? इवनिंग ड्रेस पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, एंड सो ऑन. कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर? मेरे खजाने क्या कहीं जा रहे हो आप? इट मीन्स ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. चुबकॉप का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लोमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू. नहीं, मैं थी सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, सी मिलने के लिए आया हूं. ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, आपसे मिलने के लिए यहां पर आया हूं, यही वजह है, और कोई वजह नहीं आपसे मुलाकात की. अब कैन यू बी गोइंग एनी वेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो वो इसका जवाब देता है कि नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूं. चुबुकॉप, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस? तब इस तरीके से इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? माई प्रीसियस, मेरे कीमती, ये तो बताओ. एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, जैसे कि आप नए साल के मौके पर मेरे घर पे आते हो, ऐसा लग रहा है. लोमो, वेल यू सी, आप जानते हैं, इट्स लाइक दिस. टेक्स हिज आर्म, उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि आप जानते हैं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ. आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच, मैं यहाँ पर आपके साथ आया हूँ टू ट्रबल यू, आपको तकलीफ देने के लिए. With a request, आपके लिए एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूं. Not once or twice, एक बार नहीं, दो बार नहीं. Have I already had privilege of applying to you for help, आपके मदद के लिए कई बार मुझे मौका मिला है कि आपके वहां मैं तशरीफ लाया हूं. And you have always, so to speak, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं, I must ask your pardon. सबसे पहले मैं आपकी माफी मांग लूं, माफी चाहता हूं. I am getting excited, बड़ी उत्सुकता आ रही है बताने के लिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं. I must ask your pardon. I shall drink some water. पहले कुछ पानी दे दो, वरना मैं कह नहीं पाऊंगा. Honored Stefan Stefanovic. ये कहता है. क्यों कहता है? क्योंकि वो मैरिज का प्रपोजल लेके आया, और मैरिज के लिए प्रपोज करना इतना आसान नहीं होता है. इसीलिए लोमो बड़ा एक्साइटेड है इस चीज को लेकर. चुबुकॉप एसाइट मनी मन में कहता है, ही हैज कम टू बोरो मनी, लगता है ये पैसे उधार लेने आया है. शांत, गिव हिम एनी, इसे जरा सा भी नहीं दूंगा, एक सिक्का नहीं दूंगा. अलाउड तेज बोलता है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, मेरी खूबसूरती, मेरी ब्यूटी क्या, किस लिए आए हो तुम? लोमो, यू सी, आप जानते हैं, ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन, मैं माफी चाहता हूं पहले तो. और स्टेपनोविच कहता है, माफी चाहता हूं, आई मीन, मेरा मतलब है, आई एम आवरली एक्साइटेड, मैं बुरी तरीके से उत्सुक हूं. एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, कुछ कहना चाहता हूं. इन शॉर्ट, यू अलोन कैन हेल्प मी, और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं. इसके अलावा ऊपर देख सकते हैं पिक में, चुबुकॉप को दिखाया गया है, सिर्फ यही मदद कर सकते हैं. बट ही इज वेरी डेंजरस इट सीम्स, ऐसा लगता है नहीं. और इसके अलावा दो, आई डोंट डिजर्व इट, मैं इस लायक तो नहीं हूं कि आप मेरी ऐसी मदद करें. ऑफकोर्स, एंड हैव वॉन्ट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और आपकी मदद मांगना मेरे पास कोई अधिकार नहीं, फिर भी मैं आपके पास आया हूं. चुबुकॉप, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड, डोंट बीट अराउंड द बुश, झाड़ी के आसपास मत घूमो, बात को घुमा फिरा करके मत कहो. डार्लिंग, स्पीट इट आउट, इसे थूक दो, मतलब से इट डायरेक्टली, इसे तुरंत कह दो. वेल लोमो, वन मोमेंट, एक पल, दिस वेरी मिनट, इस मिनट में, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, मैं आपकी डॉटर का हाथ मांगने आया हूं. नाटालिया का स्टेपनोविच इन मैरिज, मैरिज में उसका हाथ मांगने ले आया हूं, मैं शादी के लिए प्रपोजल लाया हूं. और ये बात सुनकर के सारा गुस्सा छू हो जाता है इन साहब का, चुबुकॉप का, जॉयफुली बड़े खुश हो जाते हैं. भाई जोब, अरे जुपिटर की कसम, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इवान वेस्लीविच, से इट अगेन, दोबारा कहो. आई डिडंट हियर इट, मैंने सुना नहीं. लोमो कहता है, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मेरे पास सम्मान है आपसे पूछने का. चुबुकॉप इंटरप्टिंग, बाधा डालते हुए, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, मैं इतना खुश हूं, एंड सो ऑन, और ज्यादा, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और ऐसी चीज. इम्ब्रेसेस एंड किसेस, उसे गले लगाता है, उसे किस करता है. लोमोव, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि आप मेरे घर रिश्ता लेके आए.
क्योंकि आप भी एक लैंड ओनर, मैं भी एक लैंड ओनर, शादी मेरी बेटी की मेरे पड़ोस में हो जाएगी, इससे अच्छा क्या दिल ही दिल में उसके लड्डू फूटते हैं चुगोखॉप के। इट हैज बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिजायर, और मेरी ये कॉन्टिन्यूअल डिजायर थी, लगातार इच्छा थी, शेयर्स टीयर आंसू आ जाते हैं बूढ़े आदमी के आंखों में, तो एंड आई हैव बीन ऑलवेज लव्ड यू, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता था। मतलब आप देख सकते हैं इस बंदे का कैरेक्टर, अभी कह रहा था कि पैसे लेने आएगा तो उधार नहीं दूंगा, लेकिन अभी तुरंत चेंज हो गया, ही इज वेरी सेल्फिश, इससे पता चलता है कि बंदा सेल्फिश है। माई एंजल एज यू वर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, अरे गॉड तुम्हें दोनों दे, हिज हेल्प एंड हिज लव, गॉड अपना प्यार भी तुम पर लुटाए और अपनी मदद भी लुटाए, एंड सो ऑन, और बहुत सी चीजें, सो मच होप, इतनी उम्मीद, वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस आइडियोटिक वे फॉर, मैं इस बेवकूफी वाले तरीके से क्या एक्टिंग कर रहा हूं यार, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, ऐसा लगता खुशी के साथ मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, absolutely off my balance, पूरी तरीके से मैं अपने बैलेंस से बाहर हूं। oh, with all my soul, अपनी पूरी आत्मा के साथ, I'll go and call Natasha, और मैं नताशा को तुरंत बुला करके लाता हूं, प्यार से नताशा कहते हैं घर में, and all that, और यही सब कुछ है, अभी बुला के लाता हूं और उसे बताता हूं कि तुम शादी के लिए यहां पर आए हुए हो। लोमो ग्रेटली मूव्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए, ऑनर्ड स्टेपन स्टेफनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या आपको लगता है कि मैं उसकी मर्जी ले सकता हूं शादी के लिए चुगुखा, वाय ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, कहता है कि मेरे प्यारे क्यों नहीं भाई, एज इफ, कहते हैं कि शी वोंट कंसेंट, जैसे कि वो परमिशन नहीं देगी, क्यों परमिशन नहीं देगी, शी इज इन लव, वो तो प्यार में है, eager और उत्साहित है, she is like a lovesick cat, वो तो एक lovesick cat की तरह है, वो तो चाहती है कि कोई शादी का proposal तो लाए, and so on, shan't be long, ओ काफी लंबे समय तक नहीं, और चला जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है, her, his daughter is 25 years old, शादी तो करना ही है, and she is very quarrelsome, और बहुत झगड़ालू है, जिसकी जिंदगी में जाएगी, उसकी जिंदगी में झगड़े ही करती रहेगी, इसीलिए फादर भी चाहता है जल्दी से जाए उसकी बेटी यहां से। लोमो इट्स कोल्ड, लोमो कहता है वो सर्दी लग रही है, आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर, मैं पूरा कांप रहा हूं, जस्ट एज आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई परीक्षा चल रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, द ग्रेट थिंग इज, और सबसे बड़ी चीज ये है, इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं खुद को सोचने के लिए वक्त देता हूं, टू हेजिटेट हिचकिचाने के लिए वक्त देता हूं, टू टॉक अलॉट बहुत ज्यादा बातें करने के लिए वक्त देता हूं, टू लुक फॉर एन आइडियल और बहुत ज्यादा आदर्श बनने की कोशिश करूंगा, तो फॉर द रियल लव वास्तविक प्यार के लिए, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, मेरी कभी शादी नहीं होगी, इट्स कोल्ड नाथेलिया, बहुत ज्यादा सर्दी है, कहता है मेरी कभी शादी नहीं होगी, बिकॉज ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, ही इज एट द वर्ज ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ मैरिज, मैरिज की एक्सपायरी डेट के किनारे पर है, जल्दी शादी हो जाए तो बेहतर है। स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, एक अच्छी हाउसकीपर है, एंड नॉट बैड लुकिंग, बुरी दिखती भी नहीं, ठीक ठाक अच्छी दिखती है, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है नटालिया, एंड व्हाट मोर डू आई वांट, इससे ज्यादा मुझे चाहिए क्या, बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर, लेकिन मेरे कान में शोर हो रहा है फ्रॉम एक्साइटमेंट, उत्सुकता की वजह से, ड्रिंक्स पानी पीता है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, मेरे लिए यह संभव है कि मैं अभी शादी ना करूं, इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, मैं पहले से ही 35 साल का हो चुका हूँ, अ क्रिटिकल एज है ना, एक क्रिटिकल एज, आई एम ऑल्सो 35 ईयर्स ओल्ड, इट्स अ क्रिटिकल एज है, एंड सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मुझे एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ जी लेना चाहिए, आई सफर फ्रॉम पल्पिटेशन, मेरे पल्पिटेशन होता है, दिल धड़कता है, एंड आई एम एक्साइटेबल, और मैं उत्सुक हो जाता हूँ, गेटिंग ऑफली अपसेट, और बुरी तरीके से अपसेट हो जाता हूँ कभी कभी, एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेवलिंग, मेरे ओंठ कांप रहे हैं शाहरुख खान की तरह, एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी राइट आईब्रो भी फड़फड़ा रही है, आई फड़फड़ाती है ना, ट्विचिंग होती है, एंड बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बुरी बात यह है, इज द वे आई स्लीप, कि मैं सो भी जाता हूँ, आई नो सूनर गेट इन टू बेड and began to go off, और जैसे ही मैं बिस्तर पर जाता हूँ और began to go off, suddenly something in my left side gives a pull, जब मैं सोने वाला होता हूँ left side में ऐसा लगता है कि झटका सा लगा, I can feel in my right shoulder,
इन माई शोल्डर, मेरे कंधे में मैं जाग जाता हूं, एंड हेड, और मेरा सर, आई जंप लाइक ए ल्यूनेटिक, और एक पागल की तरह मैं जंप मारता हूं, वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा सा चलता हूं, लाई डाउन अगेन, दोबारा लेट जाता हूं, बट एज सून एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने वाला होता हूं, देयर इज अनदर पुल, दूसरा झटका लगता है, एंड इट मे हैपन 20 टाइम्स, तब कहीं जाकर के नींद आती है। चलो, इन्हें नींद तो नहीं आएगी, लेकिन नटैलिया अंदर आ जाती है। अब देखते हैं क्या मुलाकात में बातें होती हैं इनकी। नटैलिया, वेल देयर, इट्स यू, अरे आप, एंड पापा सेड, गो, देयर इज अ मर्चेंट, कम फॉर हिज गुड्स, अरे पापा ने तो कहा था एक व्यापारी आया है यहाँ पर, लेकिन आप आए हैं, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं इवान। लोमोप कहता है कि हाउ डू यू डू, आप कैसी हैं, ऑनर नटैलिया। नटैलिया जवाब देती है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन, मैं ये जो एप्रन पहने हुई है इसके लिए मुझे माफ करिएगा, एंड नेग्लिज, और अपनी नेग्लिजेंसी के लिए, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम तो मटर को छील रहे थे सुखाने के लिए, वाई हैवंट यू बीन हेयर फॉर अ सच लॉन्ग टाइम, तुम इतने लंबे समय से मेरे घर क्यों नहीं आए, सिट डाउन, बैठ जाओ, दे सीट देमसेल्फ, दोनों बैठ जाते हैं, And won't you have some lunch? क्या कुछ लंच लेना चाहोगे? लोमोप कहता है कि no, 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 thank you. I have had some already. मैं पहले ही थोड़ा लंच ले चुका हूँ. Natalia, then smoke, थोड़ी सी smoking. Here are the matches. यहाँ पर माचिस भी है, उठा लीजिए. The weather is splendid now. मौसम बहुत अच्छा है. But yesterday it was so wet. लेकिन कल मौसम बड़ा गीला था. और the workman didn't do anything at all. काम करने वालों ने पूरे दिन कल कुछ किया ही नहीं. खाली बैठे रहे. How much hay have you stacked? तुमने कितनी dry grass का, hay means dry grass. तुमने कितनी सूखी घास का ढेर लगा लिया है. सर्दियों के लिए grass की जरूरत होगी. Just think. I felt greedy and had a whole field cut. मैं तो बहुत लालची हूँ और सोचती हूँ पूरा का पूरा खेत कटवा लूँ. And now I am not at all pleased. और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ about it इस बारे में, because I am afraid my hay may rot. और मुझे लगता है कि मेरी जो hay grass है कहीं पर सड़ ना जाए, इसलिए मुझे डर भी लगता है. I ought to have waited a bit. मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था. But what is this? लेकिन ये क्या? Why are you in evening dress? तुम इतने स्मार्ट बन करके क्यों आए? वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल? क्या तुम बॉल डांस में जा रहे हो? और वॉट, कहाँ जा रहे हो? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे दिख रहे हो. टेल मी, मुझे बताओ, वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट? तुमने इस तरीके का गेटअप क्यों बनाया है? लोमो एक्साइटेड होते हुए, यू सी ऑनर नटैलिया, स्टॉप नो अपना, आप जानती हैं, द फैक्ट इज, वास्तविकता ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, मैंने दिमाग बनाया है कि तुम मेरी बात सुनो. ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, परहैप्स इवन एंग्री, बट लेकिन तुम नाराज भी हो सकती हो, खुश भी हो सकती हो मेरी बात को सुनकर. इट्स ऑफुली कोल्ड, लेकिन बाहर बहुत सर्दी है, मेरी बात तो सुनो. इसके फादर ने ये नहीं बताया कि वो प्रपोजल लेके आया है. नटैलिया, नटैलिया इसी के साथ कहती है कि व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? पॉज, रुकते हुए. वेल, लोमो बताया है, आई शैल ट्री, आई ट्राई टू बी ब्रीफ, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी. यू मस्ट नो ऑनर नटैलिया, इस टॉप नोव ना, आप जानती हैं, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माय चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, इनफैक्ट वास्तव में, हैड प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, आपके परिवार को जानने का मेरी इच्छा थी. माई लेट आंट, मेरी स्वर्गीय जो चाची थी, वो भी चाहती थी कि हम आप लोगों से कुछ रिश्ता बनाए, कुछ बात करें. हर हस्बैंड फ्रॉम होम यू नो आई इनहेरिटेड, आप जानते हैं जिनसे मैंने विरासत में जो प्रॉपर्टी मिली है, आपको सब कुछ तो मालूम है. माई लैंड, मेरी जो जमीन है, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, उनका बहुत सम्मान था. टू योर फादर एंड योर लेट मदर, आपकी स्वर्गीय माँ और आपके पापा जो अभी आए थे, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट करती थी. द लोमोप एंड चुबुखोव हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, हम दोनों लोग आपस में बहुत फ्रेंडली रहे हैं, क्योंकि मेरा लोमोप्स का खानदान है, आपका चुबुखोव्स का खानदान है. आई माइट ऑलवेज से मोस्ट अफेक्शनेट, और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अफेक्शनेट भी रहे हैं, एक दूसरे के लिए लगाव भी रखा है, रिगार्ड फॉर अदर, और दूसरों के लिए सम्मान भी रखा है. एंड यू नो, आप जानती हो, माई लैंड इज नियर नेबर्स टू योर्स, मेरी जमीन तुम्हारे पड़ोस में है. एंड यू विल रिमेंबर, तुम्हें याद है, दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर बर्च वुड, और मेरे जो ऑक्सन मिडोज हैं, आपका जो बर्च वुड है, बर्च के पेड़ हैं,
बर्चेस के, बर्चेस ट्रीज होते हैं आप देख सकते हैं यहां पर, ये ऑक्सन मिडोज हैं वो टच करते हैं, और ये कहां पर हैं, बर्ट मार्शेस और ऑक्स, बर्ट मार्शेस और बर्ट्सवुड के बीच में ऑक्सन मिडोज पड़ा करते थे। हालांकि आई हैव टेकन अ स्लाइड हियर, पिक साइड में लिए, लेकिन दिस साइड विल बी इन द मिडिस्ट, ये साइड में बीच में होना चाहिए। अब उसके बाद नाटालिया एक्सक्यूज मी, क्या बात करते हो, माई इंटरप्टिंग यू, तुम्हें बाधा डालने के लिए मैं माफी चाहूंगी। यू से माई ऑक्सन मिडोज, तुम कह रहे हो कि मेरे ऑक्सन मिडोज, बट आर दे योर्स, तुम्हारे कब से हो गए लोगों, यस माई, कहता हाँ मेरे हैं। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रही हो, ऑक्सन मिडोज आर आर्स, तुम्हें याद रखना चाहिए कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं है। लोगो नो माइन, कहता कि नहीं मेरे हैं। नाटालिया कैसी बात कर रही हो, नाटालिया कहती है कि वेल आई नेवर नो दैट बिफोर, मुझे तो ये बात पहले नहीं मालूम थी, तुम अभी बता रहे हो। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम्हें ये पता कैसे चला कि तुम्हारे हैं। लोमो कहता है कि हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज विच आर वेस्ट बिटवीन बर्चवुड एंड बर्ट मार्शेस, जो बर्ट मार्शेस और बर्चवुड के बीच में आते हैं, मैं उन ऑक्सन मिडोज की बात कर रहा हूं जो बर्ट मार्शेस और बर्चवुड के बीच में आते हैं, वो ऑक्सन मिडोज मेरे हैं, आप क्या बात कर रही हो। तो इसके बाद अब जवाब देती है नाटालिया, यस यस दे आर हॉर्स, ये हमारे हैं। Lomov, no, they are, you are mistaken, तुम गलती कर रही हो अनाद नाटालिया, they are mine, ये मेरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। नाटालिया इस पे कहती है, just think Ivan Vasilievich, how long have they been yours, कितने समय से तुम्हारे हो गए। Lomov कहते कितने समय से, as long as I can remember, जब से मुझे याद है, मेरी ही प्रॉपर्टी है ये। तो नाटालिया कहती really, you won't get me to believe that, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपने कानों पर, क्या बकवास कर रहे हो तुम। Really, you won't get me to believe that, मुझे वाकई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। But you can see from the documents, मेरे पास documents हैं, document आपको दिखा दूंगा। Honored Natalia Stopovna, ऑक्सन मिडोज, इट्स ट्रू, ये सच है कि वर वन सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, ये झगड़े की जड़ थे, एक टाइम था कि ये झगड़े की वजह थे, लेकिन आज झगड़े की वजह चेंज हो गई है। Now everybody knows, आज हर कोई जानता है कि they are mine, वो मेरे हैं। There is nothing to argue about, इस बारे में बहस करने के लिए कुछ है ही नहीं। You see, तुम जानती हो, my aunt's grandmother, मेरी चाची की दादी ने gave the free use of these meadows, इन meadows को free use के लिए दिया था, in perpetuity to the peasant of your father's grandfather, तुम्हारे पापा के दादा के किसानों को दिया था फ्री यूज के लिए, मेरी चाची की, किसने दिया था। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू होल स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेरल, पहला झगड़ा कितना था, फर्स्ट क्वेरल वाज अबाउट ऑक्सन मिडोज, ये ऑक्सन मिडोज के बारे में था, एंड ऑक्सन मिडोज वर बिटवीन बर्ट मार्शेस एंड बर्चेस, बर्चवुड, बर्चवुड के बीच में थे ये ऑक्सन मिडोज। तो ये कहता है कि मेरी चाची की दादी ने आपके पापा के दादा के किसानों को फ्री यूज के लिए ये दिए थे, लेकिन अब क्या हुआ, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, मेरी चाची की दादी के लिए ईंटें बनाया करते थे, द पीजेंट्स और वो किसान, बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, आपके पापा के दादा से ताल्लुक रखते थे, रिलेटेड थे, हैड द फ्री यूज ऑफ दीज मिडोज फॉर 40 years, 40 साल तक उन्होंने यूज किया इन मिडोज को, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, अपने खुद का मानने लगे। व्हाट हैपेंड दैट, उसके बाद ये हुआ कि आपको लग रहा है कि वो आपके हैं, बट वो आपके नहीं है, मेरे ही है। नाटालिया नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है, बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, मेरे दादा पापा, पापा के दादा के दादा के, अरे उस जमाने से मेरे पास है, क्या बात करते हो। ग्रैंड फादर रिकॉग्नाइज रिकॉन्ट, जय पहचानते थे दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्ट मार्शेस, मेरे दादा कहते थे कि बर्ट मार्शेस तक हमारी जमीन है, विच मीन्स दैट ऑक्सन मिडोज वर आवर्स, इसका मतलब ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। I don't see, मैं नहीं देखती है कि there is arg about, इस बारे में बहस करने की क्या जरूरत है, it's simply silly, ये तो बेवकूफी है। लोमो, I shall show you, मैं तुम्हें दिखाऊंगा documents, नाटालिया, stop ना, नाटालिया, no, you are simply joking, तुम मजाक कर रही हो और making fun of me, मेरा मजाक बना रही हो, what a surprise, कैसी सरप्राइज की बात है, we have got the land for nearly 300 years, ये जमीन हमारे पास लगभग 300 सालों से है, एंड वी आर सडनली टोल्ड, और अचानक तुम यहाँ आकर के मुझे बता रहे हो कि इट्स नॉट और ये हमारे नहीं। वॉन वेस्लीविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ईयर्स, मुश्किल से मुझे अपने कानों पर भरोसा हो रहा है, दीज मिडोज आरंट
वर्थ मच टू मी, ये मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, योग्य नहीं है। दे ओनली कम फॉर फाइव डिस्टेंस, ये पांच मतलब पांच विरासतों से मेरे पास आ रहे हैं, आर वर्थ ऑफ 300 रूबल्स, और इनका क्या है, 300 रूबल्स के हैं, बट आई कांट स्टैंड अनफेयर, लेकिन मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी, बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयर एंड से व्हाट यू विल एंड आई कांट स्टैंड अनफेयर, अब मत कह देना कि तुम्हारे हैं। इस बात को धमकाते हुए नटालिया कहती है, लेकिन लोमो भी अपनी बात पर डटा रहता है और कहता है, हियर मी आउट, मेरी बात तो सुनो, आई इम्प्लोर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पापा के दादा के किसान, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन किया, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रांड मदर, मेरी चाची की दादी के लिए ईंटे सेका करते थे, नाउ माई आंट्स ग्रांड मदर इज विशिंग टू मेक देम प्लीजेंट, और मेरी चाची की दादी उन्हें खुश करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें दे रखे थे। नटालिया, आई कांट मेक हेयर हेड और टेल, मैं ना हेड सुनना चाहती हूँ ना मैं टेल सुनना चाहती हूँ ऑफ दिस, अबाउट आंट एंड ग्रांड फादर के बारे में एंड ग्रांड मदर के बारे में, द मिडोज और ऑर्स ये हमारे हैं एंड दैट इज ऑल, यही सब कुछ है, लोमो कहता है माइन, नटालिया कहती है ऑर्स यू कैन गो ऑन प्रूविंग फॉर इट फॉर टू डेज एंड ऑन एंड, आप आखिर तक जा सकते हो, दो दिन तक इसे प्रूव करते रहो, यू कैन गो एंड गो ऑन 15 ड्रेसेस जैकेट्स, और 15 जैकेट चेंज करके आ जाओ, बट आई टेल यू, लेकिन मैंने तुमसे कह दिया कि ये मेरे हैं, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मैं अपना कुछ तुम्हें देना भी नहीं चाहती, सो देयर, एक बात याद रखो कि मेरे हैं। इट मीन्स बोथ आर वेरी क्वेरलसम, बहुत झगड़ालू हैं, ये लड़की ऊपर से बहुत, शी इज वेरी क्वेरलसम, तो बेचारा फादर तो परेशान होगा ही, सोचेगा इसकी शादी हो और जल्दी से ये यहां से जाए, सो ही वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए बहुत खुश था। लेकिन आगे की स्टोरी में, सेकेंड पार्ट में, यू विल सी वॉट हैपेंस नेक्स्ट, आप देखेंगे कि आगे क्या घटित होता है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पर और इसी ड्रामा टेस्ट वन एक्ट प्ले प्रपोजल के साथ। वंस अगेन थैंक यू।